हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल S2E इन्फो पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने इस चैनल पर अटल पेंशन योजना के ऊपर 4 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो में मैंने जो है एक्सप्लेन किया था अटल पेंशन योजना के बेनिफिट के बारे में, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैंने वहां पर बताया था, पेंशन में कितना कंट्रीब्यूशन देना, ये सारी चीजें जो है मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन दे देता हूं, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद जो है आज की इस वीडियो में हम जो है ये समझेंगे, अगर आप अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं और आप जो है बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर के अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपको क्या प्रोसेस अपनाना होगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, ये सारी चीजें जो है मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये प्योरली ऑफलाइन फॉर्म है भाई, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग बैंक में जाकर के APY यानी कि अटल पेंशन योजना का लाभ उठाएंगे और रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में उनको बताने वाला हूं कि आपको अपना फॉर्म किस तरह से भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जब आप अटल पेंशन योजना का फॉर्म भरेंगे तो आपको इस तरह का एक फॉर्म दिखेगा। यहां पर क्या क्या लिखा है उसको भी समझते हैं। टू द ब्रांच मैनेजर, भाई जो ब्रांच मैनेजर है बैंक का, उनका जो है उनको यहां लिखेंगे टू द ब्रांच मैनेजर, और इंचार्ज कौन से बैंक का वो बैंक लिखेंगे, और ब्रांच कौन सी है वो ब्रांच यहां पर लिख देंगे, बैंक या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके बाद आई हेयर बाय रिक्वेस्ट दैट APY अकाउंट टू बी ओपन इन माई नेम अंडर NPS नेशनल पेंशन सिस्टम एज पर पर्टिकुलर्स गिवन बिलो। अब आपको अपने पर्टिकुलर्स जो है शेयर करने हैं, क्या क्या लिखना है। यहां पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर भरना है, ठीक है जी, आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर भरना है। इस तरह से आपको बैंक का नाम भरना है, जो भी आपके बैंक का नाम होगा वो आपको यहां पर भरना है। आपके ब्रांच, आपके बैंक की जो ब्रांच है वो आपको भरनी है, मान लो GIP कुछ भी भर सकते हैं आप। इसके बाद पर्सनल डिटेल में भाई, अगर आप श्री हैं या श्रीमती हैं, कुमारी हैं, तो वो जो है टिक कर दीजिएगा। आपको अपना फुल नेम भरना है, फुल नेम जो भी आपका है वो आप यहां पर लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर भर देंगे, ठीक है जी। ये लो जी, हमने डेट ऑफ बर्थ भर दी है। इसके बाद जो भी आपकी एज है वो यहां लिखेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर जो है भर देंगे यहां पर, जो भी आपका 10 अंकों का मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर भरेंगे, ठीक है जी। 10 हो गए ना, हाँ जी बिल्कुल 10 हो गए हैं। इसके बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप यहां पर लिखेंगे। आधार नंबर, अगर आपका जो भी आधार नंबर है वो आप यहां पर भरेंगे आधार नंबर जो है। इसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो यस कर देंगे, नहीं है तो अच्छी बात है, नो करना है। इफ मैरिड स्पाउस नेम इज मैंडेटरी, अगर आप शादीशुदा है तो आपको अपने स्पाउस की डिटेल देनी है, भाई ध्यान से देखिएगा। नेम ऑफ स्पाउस, अब ये स्पाउस का मतलब ये है, अगर आप फीमेल है तो आपको अपने हस्बैंड की डिटेल देनी है, और अगर आप मेल है यानी कि सब्सक्राइबर अगर मेल है तो आपको अपनी वाइफ की डिटेल देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर स्पाउस का नाम और नॉमिनी नेम, आपको नॉमिनी देना है। तो अगर आप शादीशुदा है तो बाय डिफॉल्ट आपका जो स्पाउस है वो नॉमिनी बन जाता है, यहाँ पर उनके आधार की डिटेल आपको यहां पर देनी है। इसके बाद नॉमिनी से क्या रिलेशन है वो यहां पर भरना है, ठीक है जी। एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉमिनी इज माइनर, देखो ये वाला जो पॉइंट है यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप शादीशुदा नहीं है तब आप जो है नॉमिनी का नाम भरेंगे तो रिलेशन लिखना है नॉमिनी के साथ क्या है। अगर आप शादीशुदा हैं तो नॉमिनी जो है आपकी वाइफ या हस्बैंड वो बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। इसके बाद एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ माइनर, तो अगर माइनर जो है नॉमिनी माइनर है तो डेट ऑफ बर्थ उनकी यहां पर लिखनी है, उनका उनके गार्जियन का नाम लिखना है। वेदर बेनिफिशियरी ऑफ अदर स्टैट्यूटरी सोशल सिक्योरिटी स्कीम यस और नो, ये आपको चेक करना है, ठीक है जी। वेदर इनकम टैक्स पेयर, ये आप अगर इनकम टैक्स पेयर है तो यस कर देना, नहीं तो नहीं। इज पटका CRS एप्लीकेबल, अगर आप NRI हैं तो ये वाली लाइन एप्लीकेबल होगी, ठीक है। इसके बाद पेंशन डिटेल, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रीब्यूशन, आप कितना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, मंथली करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, हाफ ईयरली करना चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है 60 साल के बाद ताकि आपको पेंशन मिले, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000, 4000, 5000, बस यहीं तक है, इससे आगे नहीं है। तो जो भी अमाउंट है वो आपको यहां पर
सिलेक्ट करनी है। मैंने तो खैर पांचों सिलेक्ट कर दिया, ध्यान रखिएगा। कंट्रीब्यूशन अमाउंट इन रुपीज टू बी फिल्ड बाई बैंक, तो जो भी आपका मंथली कंट्रीब्यूशन होगा, जो कैलकुलेशन मैंने अपनी वीडियो नंबर 4 में, आई थिंक वीडियो नंबर 3 है वो, उसमें एक्सप्लेन करी थी, कंप्लीट डिटेल में कैलकुलेशन बताई थी। तो यहां पर जो भी अमाउंट आएगी मंथली कंट्रीब्यूशन की, वो बैंक के जो मैनेजर साहब है वो यहां पर इसको भर देंगे, है ना, वो यहां पर ये सारी चीजें भर देंगे। ये आप भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखा है टू बी फिल्ड बाई बैंक, अगर आप उस कैलकुलेशन को समझ पाते हैं तो यहां भर देना। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन देना है, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो वो डेट यहां जाएगी, आपको प्लेस लिखना है, फिर आपको यहां पर अपने साइन कर देने हैं, बहुत प्यार से अच्छे से साइन करने हैं आपको। इसके बाद एक्नोलिजमेंट आपको बैंक से मिलेगा जी, बैंक जो है सब्सक्राइबर का नाम लिखेगा, आपको एक प्रण नंबर दिया जाएगा, ठीक है जी। प्रण नंबर मिलने के बाद आपको गारंटीड पेंशन अमाउंट भी यहां पर लिख करके दी जाएगी, पीरियोडिसिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन ये भी यहां पर लिखा होगा, ठीक है जी। इसके बाद कंट्रीब्यूशन अमाउंट अंडर एपीवाई अमाउंट, एपीवाई ये भी आपको लिखना होगा, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन आपको देना है वो यहां पर जो है लिख करके देंगे बैंक के मैनेजर साहब, ठीक है जी। नेम ऑफ द बैंक, जो भी बैंक का नाम है, बैंक ब्रांच जहां से आपका डिडक्शन होगा कंट्रीब्यूशन, रिसीविंग ऑफिसर्स नेम, अच्छा जो ये फॉर्म भर रहा है उसकी डिटेल आएंगी, नेम ऑफ द बैंक, जो भी आपका जो ब्रांच का जो बैंक में एम्प्लॉई है, बैंक में जो एम्प्लॉई है वो उसकी डिटेल आएंगी यहाँ पर, ठीक है जी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, स्टैंप एंड सिग्नेचर ऑफ बैंक, यहाँ पर बैंक के स्टैंप और सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये था पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बेसिकली ये पूरा ऑफलाइन मोड में मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसमें ये ऑनलाइन मोड नहीं है। अगर आप एपीवाई रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और आप बैंक में जाकर के करा रहे हैं या पोस्ट ऑफिस में जाकर के करा रहे हैं, तो आप जो है इस फॉर्म को देखिएगा, मैंने कैसे बताया वो सारी चीजें आप भरिएगा, आप इसको इजीली भर सकते हैं और एपीवाई का फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हुई, अगर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ तो मैं यहां पर आपको अपना नंबर दे देता हूं, 95607649 44, ये पर्सनल नंबर है, ऑफिशियल नंबर मेरा अलग है। तो इस नंबर पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, अगर मैं बिजी नहीं हुआ तो कॉल उठा लूंगा, अदरवाइज कॉल बैक कर लूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी डाउट है एपीवाई में, कुछ भी छोटा मोटा इधर उधर का, तो भी आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपका जो भी डाउट होगा, जो भी दुविधा होगी, उसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।